मन से खाना बनाइए तो वो तन को लगेगा, ये हम सभी ने सुना है। घर का साफ सुथरा सफाई से बना खाना खाएंगे तो शरीर को भी लगता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको गेहूं और चने की रोटी बनाकर बताऊंगी, तो आज मैं वो रोटी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए नमक, जो कि ऑप्शनल है, अलसी पाउडर 1 चम्मच टेबलस्पून, वो भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो हींग, ऐसे तो हम सब्जी में डालते हैं, इसमें नहीं डालेंगे तब भी चलेगा, ये भी ऑप्शनल है। और इसको सबको हमें से ड्राई मिक्स कर लेना है। और फिर दही, दही में यहाँ 3 टेबलस्पून डाल दूँ, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इच्छा है तो डालिए, ना डालेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं, हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके पानी थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा धीरे धीरे अंदाज लेके हम उसे इकट्ठा करते हुए गूंथते हुए चले जाएंगे, अपने को पता चलेगा कि हमें कितना पानी लगने वाला है। और इसे पूरी तरह से मिला के इसे 10 मिनट रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और विदाउट फेल घी, जो कि ऑप्शनल नहीं है, इसे आप पे ज़रूर ज़रूर लगाना है। इससे अपनी जो रोटी है ना वो बहुत ही नरम और खस्ता बनेगी, तो इसे आपको स्किप नहीं करना। सब कुछ ऑप्शनल है पर घी ऑप्शनल नहीं है, वो जरूर लगाइए, इसे अच्छी तरह से लगाइए। हाथों से हमें इसे पंच देना है, जितना आपको देना सारे पंच इसको दे दीजिए। और पंच देना इसके लिए ज़रूरी है कि उसे जो गेहूं में गर्माहट होती है ना वो भी कम हो जाती है, और आपको भी पता होगा कि अपने सारे हाथ के पॉइंट्स दबते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, तो एक साथ दो फायदे। अब इसके छोटे छोटे लोई बना लीजिए और मन चाहिए जैसी भी आपको चाहिए, छोटी मोटी पतली, जैसी चाहते हैं, जैसी पसंद करते हैं वैसी रोटी बनाइए। और बना के उसे गैस पे मैंने तवा अपना सेकने के लिए रख दिया है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, उस गर्म तवे पे इस रोटी को डालना है। दोनों तरफ से हम इस रोटी को अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए गैस के ऊपर हमें दोनों तरफ से सेक के फिर तवे को क्या करना है, हटा देना है, और गैस पर सीधा गैस के फ्लेम पे हमें दोनों तरफ से सेक लेना है। और गरम गरम घी लगाइए और बस इसे इंजॉय करिए। किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है, मतलब कोई भी सब्जी के साथ में, साग सब्जी, हरी सब्जी, चटनी, अचार, दही, जो दिल करे उसके साथ खाइए और इंजॉय करिए। तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना, बहुत हेल्दी ऑप्शन है, बहुत बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस गर्मा गर्म नरम चने गेहूँ की।